झांसी में लगभग 11 दिन पूर्व कन्नौज जेल से झांसी पेशी पर आए कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को कस्टडी से छुड़ाने की साजिश में झांसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस घटनाक्रम से सियासी हलकों में खलबली मच गई है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 16 सितंबर को लेखराज और कन्नौज से झांसी पेशी पर लाया गया था। पेशी के बाद कुछ लोगों ने लेखराज को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश की थी, जिसका मुकदमा कन्नौज में घटना के 4 दिन बाद लिखवाया गया था। मामले को शासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मोठ थाने में मुकदमा दर्ज कर लगभग 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दीप नारायण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल से पुलिस अभिरक्षा में दुर्दांत और सजायाफ्ता अपराधी की पेशी थी, जिसका नाम लेखराज यादव है। वहां कचहरी परिसर में कई लोगों ने पुलिस वाहन को घेर लिया और वहां पर पुलिस वालों पर दबाव बनवाया और छीनाझपटी करते हुए उसको छुड़ाने की पूरी कोशिश करी। बाद में रास्ते में इन पुलिस वालों को धमका करके, डरा करके UP 93 BR 1100 नंबर की गाड़ी, सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठे लोग और उसके अनेक उनके साथियों द्वारा सजायाफ्ता अपराधी को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की हर तरह से कोशिश करी। कन्नौज पुलिस ने जो यहाँ पर पुलिस अभिरक्षा में लेके आई थी अभियुक्त को, थाना मोठ जनपद झांसी में और थाना 8 जालौन में अपनी बंदी रुक्षा की गाड़ी को ले जा करके बंदी सहित बंदी की सुरक्षा सुनिश्चित करी। इसके बाद बंदी ने थाना 8 में अपना सर फोड़ने का प्रयास भी किया और आत्महत्या में पुलिस वालों को फंसाने की धमकी भी दी। इस संबंध में अब तक झांसी पुलिस द्वारा कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनका एक आपराधिक इतिहास भी है। लौटेंगे इस ब्रेक।